नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूर्या और आप देख रहे हैं एंड्रो जावा टेक फॉर यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में क्या डिफरेंस होता है। आखिर क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स और सर्वर साइड प्रोग्राम का एक्चुअल कुछ तो चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, बट आज उसको और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर हम सर्वलेट के उन स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे सर्वलेट की स्पेसिफिकेशन, जावा डबली की स्पेसिफिकेशन में एड ऑन करे गए, और उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ पे क्लाइंट साइड का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था क्लाइंट का मतलब इन जनरल ब्राउजर ही होता है। तो और सर्वर तो हमारे बहुत सारे हैं, जैसे अपाचे, टॉमकैट, ग्लासेस, जेबॉस, जावा स्पेसिफिक सर्वर। सो यहाँ पे क्लाइंट साइड का मतलब एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हमारे किसी यूजर्स के कंप्यूटर में रन होता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे सामने एक वेबसाइट है, और ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट है जिसका नाम है फेसबुक। अब ये फेसबुक को बनाने वाला वेंडर्स कोई और है, ये मार्क जुकरबर्ग हैं, फेसबुक कंपनी है। सो कहीं ना कहीं ये जो फेसबुक है, इसको देखिए मैं यहाँ पर चला रहा हूँ, और अगर मैं ब्राउजर से इसे यहीं पर चला रहा हूँ और इसका प्रोग्राम यहीं पर एग्जीक्यूट हो, क्लाइंट की मशीन पर एग्जीक्यूट हो, फिर द क्लाइंट साइड। सो बेसिकली क्लाइंट साइड का मतलब होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो क्लाइंट की ही मशीन पे, क्लाइंट के ही कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो। देखिए, अगर मैं क्लाइंट साइड प्रोग्राम की बात करूं तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल होगा वो होगा एपलेट। अगर आप जावा थोड़ा सा जानते हो, और अगर आपको एपलेट के बारे में नहीं पता है, मैं आपको बता दूं कि एपलेट एक क्लाइंट साइड प्रोग्राम हुआ करता था, और उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है सर्वलेट। लेकिन एपलेट और सर्वलेट में बहुत अंतर है। बिल्कुल, एपलेट एक क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सर्वलेट सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड प्रोग्राम्स मतलब बेसिकली क्लाइंट की ही मशीन, क्लाइंट के ही ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होते थे। सर्वलेट का प्रोग्राम सर्वर पे एग्जीक्यूट होता है, यानी कि एपलेट जो होती थी, एपलेट वो क्लाइंट के ब्राउजर पे एग्जीक्यूट होती थी, और ब्राउजर में जेआरई भी होनी चाहिए तभी वो एग्जीक्यूट होता था। अगर वो सर्वर पे बना के रख भी दिया जाता था, वो सर्वर से चल के ब्राउजर की मशीन पे एग्जीक्यूट होता था। तो क्लाइंट साइड का मतलब ये होता है, वहीं सर्वर साइड आर एग्जीक्यूटेड ऑन अ सर्वर एंड रिजल्ट इज डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर एज अ एचटीएमएल। यानी कि ब्राउजर पे वो एज अ एचटीएमएल के फॉर्म में आपको, जैसे आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के जैसे यहाँ से लॉग इन करोगे तो आपके सामने जो वेब पेज आएगा वो डायनेमिक है, वो एज अ एचटीएमएल है, बट उसके अंदर डेटा डायनेमिक आया है, उसके लिए लॉजिक सर्वर पे लिखी गई है। तो कहीं ना कहीं सर्वर साइड प्रोग्राम वो होता है जो कि सर्वर पे एग्जीक्यूट होके रिजल्ट जो होता है अपने ब्राउजर पे डिस्प्ले करा देता है। अगर हम क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उतनी ज्यादा सिक्योर नहीं मानी जाती है, तो दे आर द लेस सिक्योर। एंड वहीं पे सर्वर साइड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ज्यादा सिक्योर मानी जाती है। एंड जो द कोड विच इज रन ऑन द यूजर्स कंप्यूटर यूजिंग स्क्रिप्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट कैन मे बी ब्लॉक्ड, उसको ब्लॉक करा जा सकता है, लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्ट डज नॉट हैव एनी लिमिटेशन टू ऑफ एनी ब्राउजर्स। ये किसी ब्राउजर्स पे लिमिटेड नहीं होती है, वहीं पे जो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज होती हैं वो आपके ब्राउजर पे लिमिटेड होती हैं। इस तरह से अब हम ये जानते हैं कि J2EE की हमारी बेसिकली कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज बनाई गई सर्वलेट के प्रोग्राम को चलाने के लिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि सर्वलेट 1998 के अंदर J2EE के अंदर एड ऑन करा गया। तो वो कौन कौन, और एक टेक्नोलॉजीज के फॉर्म में एड ऑन करा गया, कुछ स्टैंडर्ड बना के एड ऑन करा गया, वो स्टैंडर्ड क्या क्या हैं वो हम इसे जानेंगे। फिलहाल अब ये टू तो हट चुका है, अब इसे जावा डबली ही आप बोलिए। तो स्टैंडर्ड को जानने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये J2EE क्या है, J2SE, J2EE, J2ME क्या है। तो ये जावा के तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म है, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन, जावा 2 इंटरप्राइज एडिशन, जावा 2 मोबाइल एडिशन। J2SE जावा के एक ऐसा एडिशन है जो जिस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए होता है, J2EE और J2EE एक वेब एप्लीकेशन और इंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए होता है, और J2ME एक मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। तो आप इसे प्लेटफॉर्म बोल सकते हो, और साथ ही साथ इसको आप एक फ्रेमवर्क बोल सकते हो। और फ्रेमवर्क क्या होती है, जिसके अंदर सेट ऑफ APIs होती हैं, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं। तो J2EE जावा का फ्रेमवर्क है, आप ऐसा कह सकते हो। और फ्रेमवर्क में बने बनाए API लॉजिक, बने बनाए एल्गोरिदम्स होते हैं, और जो स्पेसिफिक डोमेन के लिए टारगेट करे जाते हैं। सो अगर आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ पे देखिए तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था कि J2EE, J2SE इसका कैटेगराइजेशन कैसे कैसे आया, और ये सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। बट अगर आप ओरेकल की ऑफिशियल साइट पे जाइए तो यहाँ से आप ओरेकल और जावा डाउनलोड करके अगर आप देखेंगे, देखिए ओरेकल जावा डाउनलोड पर जब आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए SE डेवलपमेंट किट पर आप जब जाएंगे, यहाँ से देखिए जैसे मैं ऐसे क्लिक कर रहा हूँ,
तो ये हमें एक वेबसाइट पे लेके जाएगा, और जब ये वेबसाइट पे लेके जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकेंगे खुद ही ये कैटेगराइजेशन बता रहा है कि ये जावा एसई है, ये जावा डबल ई है, ये जावा एमई है, जावा एसई एडवांस एम्बेडेड डीबी टायर कार्ड वेब, ये डिफरेंट डिफरेंट मतलब टेक्नोलॉजीज हैं, टर्मोलॉजीज हैं जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आप बोल सकते हो जो जावा प्रोग्रामिंग के लिए जरूरी होती हैं। ये देखिए जावा प्रोग्रामिंग में सर्वलेट पे जब आप आ जाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा कि जावा एसी में सपोज करो आप एसी की सारी चीजें पढ़ना चाहते हो, उसका सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन जो भी चीजें हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसे आप डाउनलोड भी यहाँ से कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ जावा की प्रोग्रामिंग एक जेडीके से होती है और एक नेटबीन से होती है, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। तो क्या यहाँ पे ये जो जेडीके है और ये नेटबीन्स है ये आपके जावा की प्रोग्रामिंग के लिए यानी कि कोर जावा की प्रोग्रामिंग जावा एसी की प्रोग्रामिंग के लिए तो सही है, बट क्या जावा डबल ई के लिए भी सही है, सर्वलेट के लिए भी सही है? तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारी जो सर्वलेट है इसको थर्ड पार्टी ने बनाया था, जितने भी बनाया था उतनी एपीआईज बनाई, और जितने भी एपीआईज बनाई थी उसकी इंप्लीमेंटेशन वेंडर्स करती थी, जिससे समस्या आ गई कि उनके डायरेक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग होते थे, उनके स्टैंडर्ड अलग अलग होते थे, डिपेंडेंसी आ जाती थी, जिस पर्टिकुलर सर्वर को आप फॉलो करके प्रोग्राम बनाते थे स्पेसिफिक हो जाता था। तो जावा डोमेन ने स्टैंडर्ड बनाए और उस स्टैंडर्ड के लिए उन्होंने अपने स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स को आप फॉलो करेंगे तो देखिए अगर आप ऐसे ही पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करके आप यहाँ पे देखिए जावा डबल ई प्लेटफॉर्म एसडीके अलग से आता है एंड उसका वेब प्रोफाइलर अलग से आता है। तो अगर आप जावा का डेवलपमेंट इसके थ्रू करना चाहते हैं तो इसे भी आप डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि सर्वलेट की प्रोग्रामिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से क्लिक करके अगर डाउनलोड करने जाऊंगा, मैं इसे डाउनलोड ही कर देता हूँ। देखिए यहाँ एक्सेप्ट लेसन्स पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे देखिए इसका जावा डबल ई एसडीके जिप पूरा हमें मिलेगा, इस जिप को आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस जिप के अंदर ही इनकी एपीआई था और इन एपीआई की इम्प्लीमेंटेशन है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आप ऐसा बोल सकते हो कि जावा डबल ई जावा का जो फ्रेमवर्क है जो सर्वलेट की प्रोग्रामिंग के लिए मतलब सारा एपीआई और सारी चीजें अपने अंदर कंटेन करके रखा हुआ है, उसमें अगर आपको कोडिंग करना है तो जेडीके सफिशियंट नहीं है। तो जेडीके इज ओनली फॉर द कोर जावा प्रोग्राम, जावा एसी प्रोग्राम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जब हम सर्वलेट पढ़ने जाते हैं तो हमें बहुत सारा यही कंफ्यूजन होता है, कई लोग तो सर्वलेट के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसमें मेन मेथड बनाते हैं और उसको जावा जेडीके से ही ट्राई करने लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ और यहाँ बता देता हूँ कि आपको जावा एसी जो है ये केवल और केवल जेडीके के इसकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन जेडीके के अंदर है और जेडीके जावा एसी के प्रोग्राम को ही डेवलप करने में सफिशियंट है। अगर आपको जावा डबल ई के प्रोग्राम्स बनाने हैं तो इसके लिए आपको ये जो मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहा हूँ ये या कोई सर्वर आपको लाना पड़ेगा, अपाचे टॉमकैट जेबॉस कोई भी आपको सर्वर लाना पड़ेगा, कोई आईडी के साथ उसे प्लग करके उसे चलाना पड़ेगा। ये जावा डबल ई का ही नहीं, अगर आप जावा एमई पे काम कर रहे हैं तो उसका भी सॉफ्टवेयर अलग आता है, इसके लिए आपको अलग प्लेटफॉर्म और अलग चीजें आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी यहाँ पे। सो फ्रेंड ये तो हो गया इसकी कहानी, और साथ ही ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं। अब मैं आपको जावा डबल ई यानी कि जेडी डबल ई की वो टेक्नोलॉजीज बताता हूँ कि जो टेक्नोलॉजीज और अभी इन टेक्नोलॉजीज के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजीज जो सर्वलेट की स्टैंडर्ड सर्वलेट के प्रोग्राम को बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए, जिनमें इन्होंने सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी बनाई उस टेक्नोलॉजी का नाम है कॉम्पोनेंट। इसको आप J2EE के टेक्नोलॉजीज या J2EE के स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, STANDARDS स्टैंडर्ड, जिसमें सबसे पहला स्टैंडर्ड आता है टेक्नोलॉजी। फिर इसके अलावा हमारे पास इन्होंने जो दूसरी टेक्नोलॉजी दिया जिसका नाम है कंटेनर टेक्नोलॉजी। तो ये J2EE के कुछ टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स हैं, कंटेनर टेक्नोलॉजी, इन स्टैंडर्ड को फॉलो करके क्या फायदा होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा सर्वर टेक्नोलॉजी, सर्विसेज टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के अलावा प्रोटोकॉल या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड अगला है आपका यहाँ पे डायरेक्टिव स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी। J2EE ने जावा सर्वलेट के प्रोग्राम को चलाने के लिए वेब से रिलेटेड ये कुछ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज बनाई गई। आप ऐसा बोल सकते हो J2EE की स्पेसिफिकेशन है, एक स्टैंडर्ड्स है जिस स्टैंडर्ड को फॉलो करके हम अपनी वेब या इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। और अगर हम J2EE की ही बात करें तो इसका फुल फॉर्म है जावा टू इंटरप्राइज एडिशन। इंटरप्राइज का मतलब यहाँ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है,
तो अगर आप जावा की कोई ऐसी एप्लीकेशन जो किसी बिजनेस लेवल पे, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे यूज करना चाहते हैं, तो बेसिकली आप J2EE को प्रेफर कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई चीज चल रही है तो उसका स्टैंडर्ड जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना बिजनेस ग्रो करना चाहती है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस ग्रो करेगी वही इंटरप्राइज या वेब एप्लीकेशन को बना के, और वेब या इंटरप्राइज एप्लीकेशंस जो भी होती हैं वो एप्लीकेशंस के लिए कुछ स्टैंडर्ड डिफाइन करने जरूरी हैं। कंपोनेंट, कंटेनर, सर्विस, सर्वर, कम्युनिकेशन एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसी टेक्नोलॉजीज को इन्होंने बनाया, और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके ही आज हम सर्वलेट का प्रोग्राम बनाते हैं। और इस स्टैंडर्ड को फॉलो करने से क्या फायदा होता है कि हमारे सर्वलेट की पोर्टेबिलिटी पॉसिबल है। इससे हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि सर्वलेट की पोर्टेबिलिटी पॉसिबल है, स्टैंडर्ड्स हैं तो हर वेंडर्स इस स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से इन टेक्नोलॉजीज का जो डिटेल कंसेप्ट है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। फ्रेंड, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू।